बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के माने तो मानसून से पहले ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला तूफान है। इसे रेमल नाम दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम तक ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और रविवार की आधी रात तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर दबाव सागर द्वीप के दक्षिण पूर्व में लगभग 380 किलोमीटर और खेपूपारा के 490 किलोमीटर दक्षिण में उसी क्षेत्र में गहरे डिप्रेशन में बदल गया। 25 जून की शाम तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और रविवार 26 मई की मध्यरात्रि तक ये गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा और इसके बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने 24 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों और उत्तरी ओडिशा के आसपास के जिलों में बहुत भारी बारिश के साथ अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। 26 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। 26 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में और 27 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अलग अलग राज्यों पर बहुत भारी बारिश के साथ अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। 24 मई को अंडमान द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की या भारी बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान तब आते हैं जब समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है। इससे समुद्र की सतह के पास हवा कम हो जाती है क्योंकि ये हवा ऊपर उठती है और इससे दूर चली जाती है। जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर की तरफ जाती है इनके नीचे की तरफ कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। जैसे जैसे आसपास की हवाओं से कम दबाव वाले क्षेत्र में प्रेशर बढ़ता है ये चक्रवात की शक्ल लेने लगता है। चक्रवात कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक रह सकता है।